जंगली हाथी किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले को लेकर चंपावत के किसानों ने वन विभाग से बार बार गुहार लगाई, इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चंपावत जनपद के टनकपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम छीनी गोट में जंगली हाथी किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान वन विभाग के अधिकारियों से गांव की रक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की गुहार लगा चुके हैं, परंतु वन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण राजू मुरारी बताते हैं कि हाथियों ने उनकी लगभग 1 एकड़ से ज्यादा की फसल नष्ट कर दी है। रोकने पर हाथी उन पर हमला भी कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के द्वारा उनकी रक्षा हेतु अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। आज 3 दिन हो गए लगातार आ रहा है, इसने कम से कम 1 एकड़ धान की फसल खराब कर दी है और भगाने में भी ये पीछे पड़ रहा है। कल रात भर इसने यहाँ धान की फसल सब खा दी है, बहुत नुकसान हो गया है। वन विभाग से कई बार कहने पर भी उन्हें तार फेंसिंग नहीं की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है। तो शीघ्र से शीघ्र इसका मुआवजा और तार फेंसिंग करने की प्रशासन से उम्मीद करते हैं। वहीं इस मामले में तराई पूर्वी वन प्रभाग के SDO संतोष पंत ने बताया कि क्षेत्र में हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्थानीय वन क्षेत्र अधिकारी को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने हेतु निर्देश दे दिया है। ये क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिसे हाथी आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि किस कारण से हाथियों का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, और यदि कॉरिडोर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह क्षेत्र चूंकि हाथियों के आवागमन का पुराना क्षेत्र कॉरिडोर के रूप में भी है, जिसमें मतलब यह भी इसमें जो मार्ग जो उनका अवरुद्ध हो गया है उसको उसके कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या कोई अवरोध जिससे मार्ग बाधित हो रहा है, जिस कारण यह आबादी की तरफ रुक कर रहे हैं, यदि पाया जाता तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।